official AEX Android Pi based ROM for Redmi Note 5 Pro. Hi friends, Rajesh here from technobuzz.net. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AEX ROM के बारे में, जो कि Redmi Note 7 Pro के लिए ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये Redmi Note 7 Pro है और इसके अंदर आज हमने AEX ROM जो है उसको इंस्टॉल कर रखा है। आप इसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसके आइकन्स चेंज कर सकते हैं, आप इसके आइकन साइज चेंज कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और भी आप इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसका अबाउट फोन का पेज चेक कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है AEX का अबाउट फोन पेज। एंड्रॉयड वर्जन 9 के ऊपर रन कर रहा है। AOSP एक्सटेंडेड रोम भी इसको बोलते हैं, जो कि वर्जन 6.5 ऑफिशियल वर्जन है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। सिक्योरिटी पैच लेवल जो है आपको इसके अंदर May 5, 2019 का देखने को मिल जाता है। तो ये तो देख लिया है आपने इसका अबाउट फोन पेज। और सेटिंग्स में कुछ और चीज़ें भी हम चेकआउट कर लेते हैं। वोल्ट का फीचर में परफेक्टली काम करता है। नेटवर्क, इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइसेस, ये सारे एप्लीकेशन यानी ये सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। बट जो इसकी अपनी सेटिंग्स है वो है इसकी एक्सटेंशंस। आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको इसके अंदर स्टेटस बार, नोटिफिकेशन पैनल्स, नेविगेशंस, रीसेंट्स, लॉक स्क्रीन एंड सिस्टम जैसे कुछ ऑप्शंस और देखने को मिलेंगे। स्टेटस बार पे आप टैप करते हैं, स्टेटस बार आइटम्स को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, कौन कौन से आपको चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। क्लॉक सेटिंग्स में आप शो क्लॉक एंड डेट, सेकंड्स, AM/PM ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। स्टेटस बार में आप बैटरी स्टाइल कौन सा चाहिए, आपको पोर्ट्रेट स्टाइल चाहिए, क्यू स्टाइल, अगर आपको एंड्रॉइड क्यू टाइप का स्टाइल चाहिए देन आप उसको चेंज कर लेंगे। बैटरी परसेंटेज आपको हिडन चाहिए या नेक्स्ट टू द आइकन, तो ये देखिए आप जो है नेक्स्ट टू द आइकन और एंड्रॉइड क्यू की बैटरी आइकन आप अपने स्टेटस बार के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप जो है स्टेटस बार के अंदर देख सकते हैं। बैटरी बार का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आपको बैटरी बार लोकेशन हाइट चाहिए, किस तरीके की कलर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं स्टेटस बार में ही। अब ऊपर आप जो है टाइम और जो आपके जो आइकन्स हैं उसके ऊपर आप एक छोटी सी वाइट कलर की लाइन देख पा रहे होंगे, ये जो है आपकी बैटरी बार की लोकेशन है। आप इसके कलर को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं कि कितने लेवल पर जो आपके बैटरी का कलर है वो किस हिसाब से चेंज होगा। तो ये ऑप्शन भी आपको इस रोम के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। ट्रैफिक इंडिकेटर्स आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ करियर लेबल को आप एडिट कर सकते हैं कि आपको क्या नेम रखना है उसका। मिसलेनियस में जाएंगे तो आपको रोमिंग इंडिकेटर, 4G आइकन, वोल्टी आइकन ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टेटस बार। अब नोटिफिकेशन पैनल के अंदर देखते हैं, उसकी क्विक सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन और भी मिल जाते हैं, जैसे ब्राइटनेस स्लाइडर, आपको और बॉटम पर चाहिए कि ऑफ पे चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और आपको क्या क्या उसमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको क्विक पुल डाउन चाहिए कि नहीं, स्मार्ट पुल डाउन, और ये सब चीज़ें आप मिल जाती हैं। आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको और भी काफ़ी सारे इसके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ पर ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है इनका नेविगेशन। नेविगेशन बार के अंदर आप जाएंगे तो आपको नेविगेशन बार के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको कौन कौन से नेविगेशन बार चाहिए। स्टॉक सेटिंग्स में आपको जो लेआउट वगैरह होता है उनको आप मैनेज कर सकते हैं, आपको नॉर्मल चाहिए, कॉम्पैक्ट, लेफ्ट लीनिंग या राइट लीनिंग, ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एडिटर में आप जो छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए आपको, लेफ्ट बैक वगैरह, वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। स्वाइप अप ऑन होम बटन पर आप जाएंगे तो आपको जो एंड्रॉइड पाई के जेस्चर्स मिलते हैं, आप इनको डिसेबल कर देंगे तो वापस आपको रेडमी नोट 7 प्रो के नेविगेशन बार्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको 100 मोड, पिक्सल एनिमेशन वगैरह ये सारे चीज़ें मिल जाते हैं। और पल्स में जाएंगे तो पल्स नेविगेशन बार का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जेस्चर्स में आप जाते हैं तो आपको वन प्लस के जेस्चर्स मिल जाते हैं, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आप इसके अंदर जो है वन प्लस के जो जेस्चर्स होते हैं वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो आपको इस AEX ROM के अंदर देखने को मिलता है। अब कुछ और चीज़ें चेक कर लेते हैं। अगले मैं होता है रिसेंट्स का। रिसेंट्स में आप UI में छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके ये सेंट स्टाइल चाहिए, आपको पाई वाला चाहिए कि ओरियो वाला, बस यही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, इसमें और कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं। लॉक स्क्रीन के अंदर आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे लॉक स्क्रीन UI में फेस ऑटो अनलॉक, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, डबल टैप ऑन लॉक स्क्रीन और स्लीप, क्लॉक विजेट को आप चेंज कर सकते हैं, क्लॉक स्टाइल कौन सी चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंड्रॉइड क्यू जो टेक्स्ट लॉक है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको देखने को मिलती है। और फेस अनलॉक जिसमें परफेक्टली काम कर रहा है, ये देखिए फेस अनलॉक से जो हम फोन को अनलॉक करते हैं और हमारा फोन जो है अनलॉक
हो चुका है। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आपको एम्बिएंट म्यूजिक, वीडियो कवर आर्ट और लॉक स्क्रीन विजुलाइजर का भी ऑप्शन आप देख पाते हैं। शॉर्ट कट्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन ये हो गया। सिस्टम में जाएंगे तो जनरल ट्विक आपको मिल जाते हैं, जैसे टू स्टेप आइकन, थ्री फिंगर जेस्चर में आप जो थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट को कैप्चर कर पाते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। साथ ही साथ एनिमेशन बटन्स और ऐप ऑप्स का भी आप यहाँ पे ऑप्शंस देख पाते हैं। तो ये सारे तो आपको मिलते हैं इनके एक्सटेंशन पे। बैटरी में जाएंगे तो बैटरी में आपको बैटरी सेवर, बैटरी मैनेजर मिल जाता है। आपको इसके अंदर बैटरी मैनेजर मेरा आप देख पा रहे हो कि हमने पबजी मोबाइल भी इसके अंदर खेला है और थोड़ी देर हमने फोन को यूज़ भी किया। हम इसके अंदर नोवा लॉन्चर भी यूज़ कर रहे हैं। बाकी आपको एग्रेसिव बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आपको इसके अंदर स्क्रीन यूजर्स, फुल चार्ज और बैटरी टेम्परेचर के भी ऑप्शन आप देख पाते हैं इसके अंदर। मैंने पबजी का जब इसके अंदर एक फुल गेम खेला था तो उसकी बैटरी टेम्परेचर 42 डिग्री के आसपास चला गया था। अब बाकी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं डिस्प्ले में चल के। डिस्प्ले में आपको जो है ब्राइटनेस लेवल, एडेप्टिव ब्राइटनेस, लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। एक्सपेंडेड डेस्कटॉप भी आपको मिल जाता है। रोटेशन स्क्रीन सेवर, एम्बिएंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको मैंने ऑलवेज ऑन कर रखा था। तभी आपको जो है एक तरीका इस तरीके की स्क्रीन आपके फोन पे देखने को मिलती है। डबल टैप टू वे उसमें परफेक्टली काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर से भी परफेक्टली काम कर रहे हैं। थोड़ा और चीज देंगे तो वो यूआई स्टाइल मिल जाता है। इसके अंदर हम ब्लैक यूआई यूज़ कर रहे हैं। आपको एक्सटेंडेड चॉकलेट, एलिगेंट और डार्क यूआई और लाइट यूआई मिल जाता है। आप एसेंस कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर काफ़ी सारे एसेंस कलर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। उसी के थ्रू आपके क्यूक्स सेटिंग पैनल के भी जो कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो हम जो इसके अंदर एसेंस कलर यूज़ कर रहे हैं जो हमारे वॉलपेपर के साथ काफ़ी मैच करता है, उस तरीके से आप जो है ये सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर इजिली यूज़ कर सकते हैं। आप डिस्प्ले में जाइए और आपको एसेंस कलर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। क्यूएस स्टाइल यानी आपके क्यूक टॉगल्स जो होते हैं आप उसके भी यहाँ पे आइकन्स को यानी कि जो साइज इनके एनिमेशन है जो इफेक्ट है उनको आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ से करना चाहें आप उनको। आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे, जो फॉन्ट्स आपको चाहिए उसको आप यहाँ से इनेबल करिए और उसके बाद आपके फॉन्ट्स जो है चेंज होते हैं। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साउंड में जाएंगे तो आपको मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम के ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं। साथ में थोड़ा और जाएंगे तो दोनों सिम्स के लिए आपको अलग अलग रिंग टोन्स के भी ऑप्शन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। स्टोरेज का ऑप्शन आपको पता ही है कैसे काम करता है। सिक्योरिटी एंड लोकेशन में आपको फिंगरप्रिंट मैंने आपको दिखा दिया है काम करता है। फेस अनलॉक भी आपको मिल जाता है। आप स्मार्ट लॉक में जाइए और ट्रस्टेड फेसेस में जाके जो है आप फेस अनलॉक के फीचर को आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि परफेक्टली इसमें काम कर रहा है। बाकी आपको डिजिटल वेलबींग का फीचर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो है अपनी पूरी डेली एक्टिविटीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। क्या स्क्रीन टाइम, नोटिफिकेशन कितने रिसीव हुए हैं आपको और कितनी बार फोन को आपने लॉक एंड अनलॉक किया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज के स्क्रीन ऑन टाइम के अंदर हमने जो है पबजी जो है मोबाइल 30 मिनट्स खेला है और नोवा लॉन्चर 25 मिनट्स, केडब्ल्यूडी 12 मिनट्स और सेटिंग्स को 10 मिनट्स के आसपास इसके अंदर यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम में आपको लैंग्वेज इनपुट, जेस्चर, स्टेट टाइम, बैकअप, प्रीसेट ऑप्शंस, मल्टीपल यूजर्स और डेवलपर ऑप्शंस और सिस्टम अपडेट्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप इनके एडऑन्स, इनकी वेबसाइट, इनके न्यूज़, इनके डोनेशन भी कर सकते हैं। आप फॉरम और इनके जो मेंटेनर हैं उनके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको अपडेट का बटन मिलता है, यहाँ पे जाके आप अपडेट चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन के लिए कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो मोस्टली सेटिंग्स के जो है सारा मैंने आपको पेज दिखा दिया है। आपको कैमरा इसके अंदर आपको डिफॉल्ट स्नैपड्रैगन का मिलता है, बट अच्छी बात यह है कि कैमरा टू एपीआई इसके अंदर इनेबल्ड है एंड आप गूगल कैमरे को इसके अंदर परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप कैमरे में फोटो कैप्चर कर पाते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी आप फोटोज़ को परफेक्टली आप इस पर कैप्चर कर पाते हैं। आपको इसके अंदर नाइट साइट मोड, सारी चीज़ें आप परफेक्टली काम करती हुई दिखती हैं। तो गूगल कैमरा परफेक्टली काम कर रहा है इसके अंदर। बेंचमार्क स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का बेंचमार्क स्कोर जो है आपको इस रोम पे Redmi Note 7 Pro के ऊपर मिलता है। आपको इसके अंदर FM मिल जाता है, आपको इसके अंदर इनके अपने EX पेपर्स यानी इनके वॉलपेपर्स काफ़ी सारे आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनको आप यहाँ से इजीली एक्सेस करके अपने वॉलपेपर्स को यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। PUBG को भी मैं आपको सामने लॉन्च कर देता हूँ कि PUBG जो है आप कौन से मोड पे खेल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि PUBG हम इस रोम पे कौन से मोड पे खेल पाते हैं। तो मैं PUBG को आपके लिए एक बार इस पे लॉन्च कर देता हूँ। तो ये देखिए, इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के ऊपर PUBG का पेज है। हम सेटिंग्स में चलते हैं और एक बार ग्राफिक पेज को चेक कर लेते हैं। आप HD मोड पर जा सकते हैं, HDR मोड पर आप नहीं जा सकते हैं। आप HD मोड पर जाके फ्रेम रेट को हाई पे रख के इसके अंदर गेम को खेल सकते हैं। मैंने गेम को खेला था, फोन थोड़ा सा हीट होता है, 42 टू 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाता है, बट लैग वगैरह मुझे इतना देखने को नहीं मिला है इसके अंदर। तो PUBG जो है आप इसके अंदर HD मोड पर खेल सकते हैं। अब बात करते हैं आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रिकवरी चाहिए होती है और कस्टम रोम और जी एप्स की फाइल।
तो आपको दो फाइलें सेव करनी पड़ेंगी, एक तो AOSP एक्सटेंडेड की जो कि ज़िप फाइल जो कि अराउंड 854 MB के आसपास है, और GApps की फाइल जो कि 200 MB के आसपास है। आप इन दोनों फाइलों को सेव कर लेंगे, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद जो है आप जो है अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके फ़ोन के अंदर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर रखी है, देन आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, और उसके बाद कस्टम रिकवरी पे बूट करने के लिए वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड करना है। बट हमको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है एडवांस में जाके कि आप जो डायरेक्टली कस्टम रिकवरी बूट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली यहीं से कस्टम रिकवरी बूट करते हैं। अदरवाइज आप वॉल्यूम अप और पावर के बटन को प्रेस रखेंगे और आप कस्टम रिकवरी पे इजीली बूट कर पाएंगे। तो ये देखिए हमारा फोन जो है कुछ ही देर में कस्टम रिकवरी पे बूट करेगा। तो ये देखिए कस्टम रिकवरी जो TWRP रिकवरी है, हम उसके मेन पेज पे हैं। आप वाइप पे जाएंगे, एडवांस वाइप, डॉल्बी कैश, कैश सिस्टम, वेंडर, और डाटा को आपने वाइप कर देना है, इंटरनल स्टोरेज को आप वाइप नहीं करेंगे। जैसे ही सारे पार्टीशन आपके वाइप हो जाते हैं, आपको सिंपली वापस अपने होम स्क्रीन पे जाना है और वहां जाके इंस्टॉल के बटन पे टैप करके जो AOSP एक्सटेंडेड रोम है वर्जन 6.5 उसको सिलेक्ट करेंगे एंड स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। ये कुछ ही देर में नियर अबाउट 1 to 2 मिनट्स के अंदर जो है ये रोम आपके रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने जो ओपन GApps यानी GApps की जो zip फाइल है उसको फ्लैश करना है ताकि Google सर्विसेज और Google Play Store जो है सारे इस रोम के ऊपर परफेक्टली काम कर सके। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसको इंस्टॉल होने का। तो ये देखिए फाइनली रोम जो इंस्टॉल हो गया है। वापस जाएंगे इंस्टॉल पर जाके, अब GApps की फाइल को सिलेक्ट करते हैं और स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर देते हैं। अब जो है GApps की फाइल भी जो है एक बार वेरीफाइड होगी और उसके बाद जो है ये फाइल भी आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगी। ये नियर अबाउट जो है 1 to 2 मिनट के आसपास लेती है आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होने में। तो ये देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है अब स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसका भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए GApps की फाइल भी हमारी फ्लैश हो गई है। नीचे वाइप का इंस्टॉल भी करेंगे एक बार, स्वाइप टू वाइप, एंड उसके बाद आप रीबूट सिस्टम एंड डू नॉट इंस्टॉल। तो इस तरीके से आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी कस्टम रोम पे जाने की कोशिश करें तो अपने डाटा का बैकअप जरूर ले लें। कई बार होता क्या है कि आप डाटा का बैकअप लेते नहीं है और आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, उसके बाद आपको फॉर्मेट डाटा करना पड़ता है या इंटरनल स्टोरेज को वाइप करना पड़ता है और आपका सारा डाटा, आपकी सारी पर्सनल फाइल्स और सारे पर्सनल मैसेज, सारे पर्सनल नंबर जो है डिलीट हो जाते हैं। तो बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रोम को फ्लैश करने से पहले, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। देन आपके पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन होता है आपका बैकअप, जो आपकी हमेशा हेल्प करता है आपके सारे डाटा को रिस्टोर करने। तो ये देखिए AX की बूट स्क्रीन आ गई है, यानी रूम हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद सेटअप पे जाएगा, आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और इस रूम के सभी फीचर्स अपने Redmi Note 7 Pro में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये रूम और आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रूम के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।